आने वाले दिनों में जेडीयू को बीजेपी तहस नहस करेगी। अगर आरसीपी सिंह जी मंत्री बनने पर जब नेता ही आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं खुश हैं तो बाकी कोई बड़े नेताओं ने भी बधाई नहीं दी है। इसका मतलब है अंदर खाने कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस असमंजस में दुविधा में फंसे हैं इससे वो निकल नहीं सकते हैं क्योंकि भारी विद्रोह जेडीयू में मचा हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। क्या जेडीयू में अब भगदड़ होने वाली है? क्या जेडीयू अब दो फाड़ में बट गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आरसीपी सिंह मंत्री बने हैं, सिर्फ एक मंत्री जेडीयू कोटे से इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए, तो उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी का कम से कम यही दावा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से ललन सिंह या फिर जेडीयू में और दूसरे नेताओं को दरकिनार करके सिर्फ आरसीपी सिंह मंत्री बने हैं, उसके बाद अब ये तय हो गया है कि बहुत जल्द जो अंदर में जो नाराजगी है जेडीयू की वो अब सामने आएगी और जेडीयू टूट की तरफ आगे बढ़ रही है। ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का। पहले क्या कहा है सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार में जेडीयू कोटे से एक ही माननीय मंत्री को शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आरसीपी सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री परिषद में शपथ ली, लेकिन अभी तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके बधाई तक नहीं दी है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की दुविधा समझी जा सकती है कि ना वो खुशी प्रकट कर पा रहे हैं ना दुख जता पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सांसद नाराज हैं और जेडीयू के अंदर विद्रोह है। क्योंकि 2019 में जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था एक मंत्री पद नहीं चाहिए, सांकेतिक रूप से अनुपातिक रूप से चाहिए, जितने बीजेपी को मिले हैं बिहार कोटे से उतना जेडीयू को भी चाहिए, क्योंकि जेडीयू के पास भी 16 सांसद हैं। परिस्थितियां आज भी वही हैं, तो किन परिस्थितियों में बीजेपी के सामने पूरी तरह से नीतीश कुमार जी ने घुटने टेके आत्मसमर्पण किया और अपनी ही जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री पद में जगह दिलवा दी, बाकी लोगों का पत्ता साफ कर दिया। पहले अति पिछड़ा समाज से आने वाले 3-3 लोगों का नाम चलाया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में सबका पत्ता साफ हो गया। संसदीय दल के नेता उनके करीबी श्री ललन सिंह जी का पत्ता साफ कर दिया गया। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी चारों ओर से घिर गए हैं और जेडीयू की पलटी मार राजनीति भी सामने आ गई है। अब तो इसका जवाब देना पड़ेगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने बीजेपी के सामने घुटने टेके हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए टेके हैं, घुटने आत्मसमर्पण किए हैं। बीजेपी ने पूरा गेम प्लान सेट कर दिया है, जेडीयू में आग लगा दी है। आने वाले दिनों में जेडीयू को बीजेपी तहस नहस करेगी। अगर आरसीपी सिंह जी मंत्री बनने पर जब नेता ही आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं खुश हैं तो बाकी कोई बड़े नेताओं ने भी बधाई नहीं दी है। इसका मतलब है अंदर खाने कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस असमंजस में दुविधा में फंसे हैं इससे वो निकल नहीं सकते हैं क्योंकि भारी विद्रोह जेडीयू में मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जेडीयू पिछले जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी तो उस वक्त उनको कम जो मंत्री पद है वो दिया गया था, ये कह करके खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब जब दोबारा से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है तब आरसीपी सिंह उसी फॉर्मूले पर मंत्री बनाए गए हैं जो फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान तय किया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब विपक्ष जो है उनको अब ये लग रहा है कि क्योंकि जेडीयू में अब जो गुटबाजी है वो अब चरम पर जाने वाली है, आने वाले वक्त में जेडीयू के अंदर में दो गुट हो जाएंगे और उसमें इसको हवा देंगे ललन सिंह और उनके साथ समर्थन करने वाले नेता। आरसीपी सिंह का के मंत्री बनने से आरजेडी का ये कहना है कि जेडीयू के अंदर में एक बड़ी नाराजगी है और इस नाराजगी की वजह से जेडीयू बड़ी टूट की ओर जा रही है। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा आया था जब ललन विवाद के बाद वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए थे, कई मंचों से नीतीश कुमार के खिलाफ ही भाषण देते रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुआ
तो उसके ठीक पहले ललन सिंह की नाराजगी दूर हुई और वो एक बार फिर से जदयू में नीतीश कुमार के साथ आए। लेकिन आरसीपी के बढ़ते कद के बीच में ललन सिंह जिस तरीके से हाशिए पर डाले जा रहे हैं, उसके बाद अब आरजेडी को ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है जो जदयू है उसके अंदर की गुटबाजी चरम पर होगी और ये पार्टी को टूट की ओर ले जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।